हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो? आई एम एच पी कुमार विथ योर मैथ क्लास। अच्छा क्लास है हमारा, ये जो हमारा क्लास है वो 2 है, चैप्टर 3। और चैप्टर का जो नाम है वो पॉइंट जो है हमारा, या टाइटल जो है वो आपका एडिशन। एडिशन और एडिशन ही समझेंगे। तो एडिशन क्या होता है, एडेंट क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर नंबर्स लेते हैं जिसको हमें ऐड करना है, इसको हमको ऐड करना है। तो इसमें समझते हैं कुछ बातें, इम्पोर्टेंट बातें। ये जो होता है ना आपका, ये दोनों जिसको हम जोड़ने के लिए रखते हैं, ये दोनों जो है जिसको हमको जोड़ना होता है उसको हम लोग एडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेंस, एडेंस। इसको हमको जोड़ना है उसको हम एडेंस कहते हैं। आप बस जोड़ने के बाद हमें आता है यहाँ 3 और 2। देखिए यहाँ पर इसको वंस है, ये टेंस है। याद रखना है हमको वंस के साथ वंस वाले को जोड़ना है और टेंस के साथ टेन वाले को जोड़ना है, टेंस वाले को जोड़ना है। तो वंस में आपका 2 और 3 है तो ये आपका 5 हो गया, और 4 और 5 है तो 9। तो इस तरह से आपका आता है 95। तो ये आपका, ये जो है आपको, इसको हम लोग कहते हैं सम। क्या कहेंगे इसको? यही आपका सम कहलाता है। तो समझ में आ गया, इसको एडेंट बोलते हैं, जिसको हम जोड़ते हैं उसको एडेंट कहते हैं, और जो हमको आंसर आता है जोड़ने के बाद जो आता है उसको सम सम कहते हैं, SUM सम कहते हैं। अब हम क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। और इसको कॉलम में लिख के आपको तब ऐड करना है, फाइंड द सम इन राइट इन कॉलम। सबसे पहले कॉलम में लिखना, हम कैसे जानते हैं कॉलम में कैसे लिखा जाता है? तो कॉलम में लिखने का होता है, कॉलम कॉलम में जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक क्योंकि वंस टेंस, इसमें भी वंस टेंस है, तो यहाँ पर वंस लेंगे, यहाँ पर टेन लिखेंगे। और उसके बाद आपका ये फर्स्ट वाला, इसको आप यहाँ लिखेंगे, इसमें वंस आपका ये है, ये वंस है, और ये टेंस हुआ, ये टेंस हुआ। तो 5 वंस के सामने वंस और टेंस को है सामने टेंस। फिर वंस में आपका 5 है और टेंस में आपका ये 3 है, इधर का इधर 2 है, इधर 3 है। दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे और इसको अब हल करेंगे। 5 5 10, 5 5 10 होता है, 1 0 10। ये जो 10 का 0 यहाँ पर आ गया, तो ये 1 जो बच गया इसको हम कैरी बोलते हैं। ये कैरी आपका यहाँ पर आएगा और इसके साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि वंस है तो वंस वाला के सामने वंस को लिख देना है। इसमें वंस और टेंस 2 आता है, तो वंस को वंस लिखा गया, टेंस वाला को जो है वो अगले वाले में, टेंस वाले में ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 5 हुआ, और 1 6, इस तरह से आपका आ गया। और लेते हैं उदाहरण में, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, ये वंस टेंस, वंस के सामने वंस और टेंस के सामने टेंस आ गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपका सम जो है वो उस तरह से निकलेगा, 5 to 7, 5 to 7 आपका, ये आपका सम हो गया। तो ये दोनों एडेंट हो गया, ये सम हो गया। हमारा अगला पॉइंट है ऑर्डर, जानते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 4 प्लस 5 कितना है हमारा, 9। और अगर हम 5 प्लस 4 करते हैं तो भी हमको 9 ही आता है। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, इसलिए 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ये जो हो गया 4 प्लस 5, और इस तरह से अगर ऐसे भी आता है 18 प्लस 40, और इधर आपका, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 18 प्लस 40, तो इधर हो जाएगा आपका 40 प्लस 18। और समझते हैं 20 प्लस 52, तो
इधर आपका हो जाएगा 52 प्लस 20। बस ध्यान देना है इधर का फर्स्ट वाला जाएगा, इधर का लास्ट में लिखना है, इधर का लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखना है, ठीक है। ये आपका ये ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोई प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, जीरो प्रॉपर्टीज, जीरो प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि हमें जब हम किसी नंबर्स को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर आता है। जैसे मान लो 5 में अगर हम जीरो ऐड किए तो हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। 9 प्लस 0 तो कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। या फिर जीरो में अगर 9 करें ऐड तो भी हमको 9 आएगा। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका हो गया जीरो प्रॉपर्टी की, जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर, वही नंबर्स आते हैं। तो इस तरह से हमें ये आगे ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका होमवर्क हो जाएगा आपका पेज नंबर 24 और 26 कर लेना है, पेज 24 26, ये क्लास का कर लेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। धन्यवाद।